हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ संगीता मेहता एंड यू वाचिंग माय चैनल माय इंग्लिश मैगजीन। टुडे आई एक्सप्लेन टू यू फ्यूचर टेंस। व्हाट इज़ द फ्यूचर टेंस? आई एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स कंपेल मी दैट प्लीज़ मैम यूज़ द हिंदी लैंग्वेज। ओके, सो today I start, I start from the first page. This is my magazine, for future tense. This is a future tense and future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. The old tenses which are deal with future I explain in my magazine. Okay, now I read my magazine. I show the first of all the cover page of my magazine. This magazine is online. Okay, I give it on YouTube and it is also found in my Now I explain to you with the definition, with everything. So I open. Now I explain to you. No, here. Okay, this is my magazine. I open it is online. So all the there is no any doubt about that. This is a future tense. Now explain. Is tense ko simple present tense bhi kehte hain. Is tense ko simple present tense bhi kehte hain, also known as the simple present tense. Is tense ke vakyon ki pehchan kaise karte hain? क्रिया के साथ गा गे गी लगा होता है, ठीक है। इन हिंदी इन द लास्ट गा गे गी ये वर्ड लिखे होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर विल का यूज़ होता है। विल को आप बड़े ही ईजी यूज़ कर सकते हैं। अब शैल का प्रयोग केवल एक मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है, इसलिए अब आप अक्सर देखते हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा रूल बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल, ओके। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल, आफ्टर दैट वी यूज़ करेंगे वी वन। व्हाट इज़ अ वी वन? वी वन इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये कल पहुँचेगा, ये कल पहुँचेगा। अब ये कल पहुँचेगा मतलब देखो होने वाला है, ये काम हुआ तो नहीं ना, ये कल पहुँचेगा, आने वाला है। फ्यूचर की बात की जा रही है, जहाँ पर फ्यूचर की बात की जाती है वहाँ पर विल लगती है, ठीक। अब हम बताएंगे आपको कैसे मैं इसको यूज़ करूँगी। ये यानी सॉरी वह कल पहुँचेगा, तो वह सब्जेक्ट है आपका। अब वह लड़का है तो ही यूज़ होगा, अगर लड़की है तो मैं शी का यूज़ करूँगी। ही विल, विल इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं इसको फ्यूचर में बता रही हूँ, यानी
वे कल पहुंचेगा, पहुंचेगा, गा यूज हुआ. ही विल अराइव टुमारो, ही विल अराइव टुमारो. ओके, अब अगला देखिए एग्जांपल कितना आसान है. फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में हिंदी में वे कल पहुंचेगा, मतलब वहां पर गा गे गी लगा होगा और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सी करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब होगी विल. विल कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, विल. फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में विल का यूज़ होता है. ओके, ही विल अराइव. अराइव मतलब हिंदी में इंग्लिश कर दी मैंने, पहुंचेगा कल टुमारो. वे इसे कल खरीदे. अब कल की बात हो रही है, तो जब कल की बात होती है तो वो फ्यूचर की बात हो रही है. कल का मतलब ही क्या है, फ्यूचर. हम फ्यूचर की बात करेंगे, जो हम आज नहीं कर रहे हैं जिसे हम कल करेंगे, यानी आने वाले समय की बात करेंगे, तो वो होगा गा गे गी. और अगर मैं कहती हूँ बीते समय की बात, तो वो था थी थे. लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही, यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर टेंस की. ठीक है, अब मैं कहती हूँ वे इसे कल खरीदेगा. अब वह, अब अगर वो लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, अगर वो लड़की है तो शी यूज़ करेंगे. अब मैं कहती हूँ वह इसे कल खरीदेगा, तो शी विल बाय इट टुमारो. शी विल बाय इट टुमारो. शी विल बाय इट टुमारो. अब मैं उसे एक उपहार, ये उसे एक उपहार भेजेंगे. अब फिर से भेजेंगे लगा है ना, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है. तो यहाँ पर ये का मतलब है दे. अब दे के साथ भी आप विल यूज़ करेंगे, आसानी से करेंगे. इसमें कोई पजल नहीं होना, कोई डरना नहीं है आपने, कोई सोचना नहीं. क्यों, क्योंकि विल का यूज़ हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में करते हैं और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में बहुत ही आसान है. ठीक है, ये इट्स अ वेरी सिंपल, फैंटास्टिक, ये बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही आसान. विल का यूज़ फ्यूचर टेंस में करेंगे. ही दे, ओके, मैं बोल रही थी कि ये उसे एक उपहार भेजेंगे. दे विल सेंड, दे विल, दे विल सेंड अ गिफ्ट टू हिम. दे विल सेंड अ गिफ्ट टू हिम. दे विल सेंड अ गिफ्ट टू हिम. अब ये देखो अगला, ये कॉलेज के लिए निकलेगी. ये कॉलेज, वे कॉलेज के लिए निकलेगी. अब यहाँ पर वह निकलेगी यानी फिर से नेक्स्ट डे की बात हो रही है, तो फ्यूचर इनडेफिनेट की बात है, फ्यूचर की बात है. शी विल लीव फॉर कॉलेज, शी विल लीव फॉर कॉलेज. क्लियर, ये अफर्मेटिव है, इसमें कोई भी नहीं का यूज़ नहीं हुआ. ये अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें नहीं का यूज़ नहीं किया गया है. इसमें हमने क्या यूज़ किया, इसमें हमने पॉजिटिव यानी जो हो सकता आने वाला है. ठीक है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट. अब मैं बात करूँगी आपसे नेगेटिव सेंटेंस की. अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान बहुत आसान है. जहाँ पर नहीं का यूज़ होगा वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता है. ओके, यू आर वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. माई नेम इज संगीता मेहता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल, माई इंग्लिश मैथ्स.